बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। स्टूडेंट, एक ऐसी न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूँ जिसका तकरीबन हमें सेमेस्टर खजा 2019 के स्टार्ट से ही उसका हमें वेट था। स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देखें, क्योंकि स्टूडेंट्स ये सिर्फ ट्यूटर के लिए नहीं बल्कि स्टूडेंट्स के लिए भी वीडियो है, बहुत अच्छी है। कि अगर आपने बीएड कर लिया तो आपको चाहिए कि ट्यूटर के लिए अप्लाई कर दें, आपको मैट्रिक और इंटर की फ़ाइल मिल जाएगी, ठीक हो गया। तो ये वीडियो स्टूडेंट्स के साथ साथ ट्यूटर्स के लिए भी अच्छी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में आजकल बहुत ज़्यादा मुश्किलात फेस करनी पड़ रही हैं स्टूडेंट्स को भी, ट्यूटर्स को भी। तो इस दौरान एक बहुत अच्छी स्टूडेंट्स न्यूज़ सुनने को मिली है, तो मैं सोचा सबसे पहले अपने स्टूडेंट्स से शेयर करूँ। और इस न्यूज़ का हमें तकरीबन काफ़ी कोई 8-10 माह से वेट था, जब से तकरीबन 2019 का सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था तब से इस न्यूज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हुई थी। सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर चीज़ों को शेयर किया गया था। वो न्यूज़ क्या है उसको शेयर करने से पहले तमाम नए आने स्टूडेंट्स और व्यूवर्स से गुजारिश है कि वो सर उबर जो अपनी यूनिवर्सिटी में एज ए ट्यूटर और लेक्चरर है, उनके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और स्टूडेंट्स बेल आइकन को बटन को प्रेस करें ताकि डेली बेसिस के ऊपर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, वीडियोज, लेक्चर्स और जो भी मैं आपके साथ इन्फो शेयर करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको रिसीव होता रहे। तो स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं कि आज की खुशखबरी की। स्टूडेंट्स सबसे बड़ी खुशखबरी ये है, अब ये मैं आपसे शेयर करूँ, ये सिर्फ ट्यूटर्स के लिए नहीं है बल्कि स्टूडेंट्स के लिए है। तो इसलिए वीडियो को आपने गौर से सुनना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बीएस, बीएड और एमएड कर रहे हैं। अब जिसने बीएड कर लिया स्टूडेंट्स वो एफए और मैट्रिक का ट्यूटर बन सकता है। तो ये ट्यूटर के लिए इन्फॉर्मेशन ये थी, खुशखबरी ये है कि उन्होंने जो 2019 की असाइनमेंट्स को चेक किया था उसका बिल बन चुका हुआ, ठीक है। उसके लिए यूनिवर्सिटी ने लिंक प्रोवाइड कर दिया, वहाँ पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो सा बिल था उसको ऑनलाइन सबमिट करेंगे। और इसकी लास्ट डेट स्टूडेंट मैं आपको बता दूं 20 अगस्त है, ठीक है। तो 20 अगस्त तक आपने क्या करना है, अपना जो सा बिल है उसको अच्छे तरीके से फिलअप कर लेना है। अब बिल के अंदर 4-5 चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, मैं आपसे बार बार शेयर करूंगा कि स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देखें, क्योंकि स्टूडेंट्स ये सिर्फ ट्यूटर के लिए नहीं बल्कि स्टूडेंट्स के लिए भी वीडियो है, बहुत अच्छी है। कि अगर आपने बीएड कर लिया तो आपको चाहिए कि ट्यूटर के लिए अप्लाई कर दें, आपको मैट्रिक और इंटर की फ़ाइल मिल जाएगी, ठीक हो गया। तो ये वीडियो स्टूडेंट्स के साथ साथ ट्यूटर्स के लिए भी अच्छी है। ट्यूटर्स के लिए तो फ़ायदेमंद है, क्योंकि हमारे बिल बनने शुरू हो चुके हैं, जितनी हमने असाइनमेंट सबमिट की थी उसका ऑनलाइन बिल हमें जनरेट करने के लिए लिंक प्रोवाइड कर दी है। हमने लिंक पर जाकर क्लिक करके तो स्टूडेंट्स अपना जो आईडी कार्ड नंबर था और अपना जो पासवर्ड था उसको लिख कर हमने लॉग इन होना है और वहाँ पर हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी, उसको फॉलो करते हुए सबसे पहले हमने बैंक वाले सेक्शन में जाना है। वहाँ पर जाकर स्टूडेंट्स हमने बैंक सेलेक्ट करना है, अगर हमारा बैंक वो वाले नहीं है जो यूनिवर्सिटी की ऑप्शंस में है तो हमने ओवर द काउंटर वाली ऑप्शन कर देनी है, फिर हमें क्रॉस चेक बनाकर यूनिवर्सिटी की तरफ से बाई डाक हमें सेंड कर दिया जाएगी। तो स्टूडेंट ये गुड न्यूज़ थी कि आपके बिल बन चुके हैं, बिल बनने शुरू हो चुके हुए हैं, उसके लिए यूनिवर्सिटी ने आपको प्रोवाइड कर दिया है। 20 तारीख तक लास्ट डेट आपने बिल जनरेट करके भेज देने हैं, सबमिट कर देने हैं। इंशाल्लाह फिर उसके बाद तकरीबन कोई एक माह के अंदर अंदर आपके ड्यूजीज आपके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो जाएंगे या आपके चेक आपके एड्रेस पर पोस्ट कर दिए जाएंगे। तो ये वीडियो शेयर करने का मकसद ये था कि सबको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इस बारे में, जितनी स्टूडेंट्स ने मेहनत की उसका उनको पता चल गया। स्टूडेंट्स ने अगर वो ट्यूटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक रख दी है। इंशाल्लाह मैं आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर प्रोवाइड करूँगा, इसमें ज़रूर गाइड करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा। मे लव ब्लेस ऑल ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।